ऐसे थोड़ा हमारा कुछ तो एक दो वार्ड में थोड़ा कम काम हुआ है, वहाँ हमको शर्म लग रहा है कि हम कैसे जाएं और वहाँ अपना दुख को बताएं। और अगर हम उसमें अपना लाइन में हम आ जाएंगे तो उसको हम जरूर करेंगे। कहे कि मतलब हमारा सोच है, अगर मेरा क्या रह गया इसमें, मेरा कि हम क्या लेके आए और क्या हम क्या अपना लेके भी, जाते हैं। हाँ के क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे, हम अपना विकास करेंगे वही दिखेगा। जी सही बात है। और कल हम रास्ता में चलेंगे तो बोलेगा हाँ मुखिया दीदी है कहके, जी सही बात मेरा है, यही सोच है। यही सच हुआ। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव जो है वो 4 चरणों में होना है। पहला 14 मई, दूसरा 19, तीसरा 24 और अंतिम 27 मई को होगा। तो अभी हम आए हुए हैं लोहरदगा जिला में और प्रखंड का नाम है कुरु और पंचायत का भी नाम कुरु है और यहाँ के मुखिया हैं सुषमा देवी। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 साल प्लस कोरोना के वजह से 1-1.5 साल का जो मौका मिला तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली, गली, तालाब, जल मीनार, डोभा सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, कोई ऐसा काम बच गया पेंडिंग जो चाहते हैं कि अगर मौका मिलता तो ये विकास भी कर लेते। इसके अलावा अगर ये जनता के बीच जा रहे हैं, दूसरी बार मुखिया पद के लिए जा रहे हैं, तो इनका क्या कुछ मैनिफेस्टो होगा, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुषमा देवी है, जी हम यहाँ का मुखिया है कुड़ू पंचायत का। हम जब अपना मुखिया का बहुत ही था कि हम मुखिया बनेंगे तो क्या क्या गांव का विकास करेंगे, छोटे छोटे गांव में जाकर गली नली और कुछ भी मतलब कमी हो बेसी हो ग्राम सभा करेंगे और उसमें हम पारित करेंगे और सब काम देंगे गांव के साथ मिलकर, मिलके काम करेंगे। तो ये हाथ से बताइए, हाथ जोड़कर चलेंगे का, मतलब सबका साथ और सबका विकास, हाँ सबके साथ सबका विश्वास। सबका और विश्वास। देखे हम मोदी जी का प्रचार कि भाई वो बोलते हैं कि एकदम गांव तक पूरा पहुंचना चाहिए और जो भी करेगा मुखिया करेगा गांव तक पहुंचाने के लिए वो बहुत साथ देते हैं। हम अपने साथ एकदम शौचालय का जब होने लगा, शौचालय अपने साथ जाकर समूह के दीदी लोग को पकड़े और एकदम साथे करवाएं और अच्छा शौचालय बनवाएं सजा के। 700 मेरे यहाँ शौचालय बना है। आवास मेरे यहाँ अभी प्रधानमंत्री आवास अभी 1100 है, 1100 में अब अभी नया वाला में 350 दिए हैं और अभी बहुत बचा है। और मेरे आवर काल के ही पूरा ऑनलाइन किया हुआ अभी घर बनाएगा, बहुत खुश है मेरे साथ जनता। और 12 हम जल मीनार बनाए, उसके बाद डोभा बनाए 9 ठो, तालाब जो पुराना था उसी को रिपेयरिंग करा कर उससे हम मैंने कुआं कोड़वा कर एकदम पानी चढ़वाते हैं, डीप बोरिंग करवा के और उसे खेती करवा रहे हैं पाइप बिछवा कर। वहाँ समूह के साथ हम मिलकर पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा बताइए कि अगर कोई महिला आपके पास आता है कि मुखिया जी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं रोजगार करना चाहता हूँ तो कैसे मदद करते हैं उनको? एकदम हम उनको केसीसी से जोड़ लिए हैं और समूह के साथ हम जब समूह बैठक होता है वहाँ जाकर हम उनके साथ मिलकर चलते हैं। कहे कि साथ तो वही है मेरा ना, वो बनाया तब तो हम बड़े हुए और उनके साथ हम काम किए हैं। अच्छा बताइए कि आपके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था जो आपने काम किया, और ये समझ सकते हैं कि ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट वर्क हुआ? मेरे यहाँ वृद्धा विधवा बहुत कम मिलता था, इतना बूढ़ी लोग जाकर एकदम पैसा नहीं मिला उला मैया, ऐसा नहीं मिला उला ऐसे बोलती थी। हम बोले कि पूरा गांव में सबको एकदम प्रचार किए और वार्ड जो है वार्ड बाय लेके, और हम एक मैदान में मैंने पंचायत भवन के बगल में मैदान है वहाँ हम फॉर्म लेके बैठ गए और सब वार्ड को बोले सब बूढ़ी लोग को लेके आओ और सबसे साइन मोहर जितना कराना है सब यहीं से कराएंगे और जाकर ब्लॉक में हम जमा करेंगे और कितना दिए हैं उतना को वृद्धा और विधवा होना चाहिए कहकर हम अपने साथ लेकर और ब्लॉक में जमा किए और कितना होने वाला था उसका हम पूरा नोटिस लेकर अपने साथ रखे और उनका पास किए और सब अपने खुशी से हमें मीठा ला कर दे रहे। माम बोले कि मीठा नहीं, हमको अपना आशीर्वाद दीजिए कि वही मेरा आशीर्वाद मेरा रह जाएगा। और
गांव में जैसे एकदम नली ऐसा था कि चलने लायक नहीं था, बरसात में बहुत आने जाने के लिए दिक्कत था, वहाँ रोता था मैया हम तुमको जितवाए हैं तो जरूर कुछ करना। हम वहाँ फेवर ब्लॉक बना दिए, पहले पीसीसी नहीं था, फेवर ब्लॉक बना दिए, वहाँ अभी बहुत खुशी से रहता है और एकदम बरसात में निकलना घुसना सब साथ है। अच्छा बताइए कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? जब कोरोना हो गया हम घर घर जाकर, बहुत कोई डरता था कोरोना लेंगे तो हम मर जाएंगे कह के, लेकिन हम बोलते थे कि देखो इतना लोग मर रहा है उससे हम लोग को बचना है, कहे कि लोग आगे जैसे फौज लोग जाकर कैसे अपना हम लोग को बचा रहा है, उसी तरह बड़ा बड़ा लोग जाकर वहाँ बचाने के लिए बैठा हुआ है और उतना डॉक्टर बड़ा बड़ा बाहर से मंगाया जा रहा है और तुम लोग नहीं लेगी और इतना महंगा दवा आ रहा है नहीं लेगी तो कैसे होगा, सबको लेना होगा। समूह में से चुन कर उसको हम लोग डिपुट करते थे कि चलो सबको समझाना है, 10-20 दीदी मिलकर हम लोग उस गाँव से हम लोग निकालते थे और कैंप लगा कर डॉक्टर को बुलाकर सुई दवाई मिलता था। कोरोना कितने मरीज मिले? कोरोना मरीज जैसे हमारे यहाँ था 35 था, लेकिन सब लोग ठीक है ना? हाँ सब ठीक, सब लोग स्वस्थ, हाँ सब स्वस्थ, कोई हताहत नहीं। दो मर गए भाई लोग। उनको क्या मुआवजा वगैरह जो होता है सब मिल गया? मुआवजा तो अभी नहीं मिला है, मिलने ही वाला है उनको, हम जमा करवा दिए सब जमा हो चुका है ना? हाँ फॉर्म जमा। जी बताइए कि आपके काम कार्यकाल में कोई ऐसा काम पेंडिंग बच गया है जो समय के अभाव में नहीं हो पाया और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और समय मिलता तो वो काम कर लेते, कोई ऐसा काम? ऐसे थोड़ा हमारा कुछ तो एक दो वार्ड में थोड़ा कम काम हुआ है, वहाँ हमको शर्म लग रहा है कि हम कैसे जाएं और वहाँ अपना दुख को बताएं, और अगर हम उसमें अपना लाइन में हम आ जाएंगे तो उसको हम जरूर करेंगे। कहे कि हमारा सोच है अगर मेरा क्या रह गया इसमें, मेरा कि हम क्या लेके आए और क्या हम अपना क्या लेके आए और क्या लेके जाएंगे, हम अपना विकास करेंगे वही दिखेगा। जी सही बात है। और कल हम रास्ता में चलेंगे तो बोलेगा हाँ मुखिया दीदी है कह के, मेरा यही सोच है, यही सोच होना चाहिए। अच्छा बताइए कि अगर जनता आपको दूसरी बार मौका देती है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं के अलावा अलग से आपने क्या कुछ सोचा इस पंचायत के विकास के लिए काम करने के लिए? एकदम उससे हम अलग सोचे हैं कि कहीं मतलब हम लोग कैसे शादी ब्याह के लिए हम लोग ये करेंगे, अच्छा ढंग से मतलब कुछ विचार करेंगे कैसे शादी ब्याह समय हम लोग को मतलब समूह से कैसे पैसा निकाल कर हम लोग करवाएंगे, क्या करेंगे, इसका बेटी बहन का अगर शादी कराने लायक नहीं है तो ऐसे जगह में जाके हम लोग करा देंगे। अच्छा ये सामुदायिक भवन वगैरह कुछ है कि नहीं? सामुदायिक भवन है, है। वहाँ भी हम लोग कुछ पैसा रखते हैं पूरा ग्रुप मिला के, तो उस पैसा समुदाय भवन में होता है ना कि वहाँ पे कोई भी अगर मेहमान के लिए कुछ लोग आते हैं तो वहाँ रहेंगे खाए पिएंगे रहने ठहरने की व्यवस्था होता है, कैसे शादी विवाह में होता है तो ठहरने उड़ने की व्यवस्था किया जाता है? उसमें सचिव अध्यक्ष कोषाध्यक्ष चुना गया है। अच्छा। वो लोग पैसा रखता है, उससे कुर्सी है टेबल है या तो लाइन अगर खराब हो गया पंखा लगाना है उसी से करते हैं। अच्छा तो मेहमान के लिए भी वो सब जगह है? बहुत उसमें बुकिंग करना पड़ता है, जब लगान आने लगता है तो बुक हो जाता है, बुक हो जाता है, तो भाई फलना भी इसका शादी है वो अपना बुक कर लेता है, बुक कर लेता है और अपना जो जो भी उचित मूल्य एक सप्ताह पहले मैंने बुक कर लेते हैं, एक सप्ताह पहले बुक करना पड़ता है। अजी बताइए कि अभी पूरे झारखंड में 1932 खतियान को लेकर एक मामला पूरा चर्चा में है, आप क्या सोचते हैं लागू होना चाहिए कि नहीं? अगर 32 का नहीं भी होगा तो लोग यहीं कहना है, अगर है तो ठीक है, अब 32 का मिलेगा कहाँ, नहीं होगा वो तो भाई लागू होना ही चाहिए। हाँ लागू तो जैसे होना चाहिए। 1932 खतियान का मतलब यह है कि स्थानीय लोगों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा और ये स्थानीय नीति है, अगर ये लागू होगा तो ग्रेड सी में या डी में उसको नौकरी सरकारी नौकरी है उसमें रिजर्वेशन मिलेगा कि जो कंपटीशन में और कन नंबर भी आता है तो उसको नंबर के आधार पर उसको पास करके स्थानीय नीति के हिसाब से उसको आवास मिले मतलब सरकारी नौकरी मिलेगा, तो ये है 1932 खतियान को लेकर। ठीक है, अच्छा बताइए कि आप क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायत के लोगों की, अगर आपको दोबारा से मौका दें तो ये विकास का काम करें? और हम अगर दूसरी बार आ गए तो हम पूरा विकास करेंगे और जनता तो हमसे वही ना करेगा जो हम किए हैं काम उसी के द्वारा हमको रिजल्ट देगा कि भाई कल क्या होगा। हाँ, काम के आधार पर आप हाँ काम के आधार पर हमको कल रास्ता में लाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमको दे कि नहीं दे, लेकिन हमको हम विकास किए होंगे तो जरूर मेरे रास्ता में वो लोग काम करेगा, हम यही भी अपना ही रखते हैं। लोग बोलता है नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे या कुछ करेंगे, मोदी जी को भी तो नहीं जीतेगा लेकिन जीत तो गया, कहेगी काम के ऊपर तो किए काम के तभी तो जीते।
तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा कि सुषमा देवी हैं, इनका कहना है कि मैंने क्षेत्र में काम किया है तो जनता हमें जरूर चुने काम करेगी, अगर मैंने काम नहीं किया है तो नहीं चुनेगी। यानी जनता ने हम पे भरोसा किया, 5 वर्षों में मैंने बहुत ही डेवलपमेंट काम किया, विकास का काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण कि इनके कार्यकाल में जो पेंशन है, वृद्धजनों को जो पेंशन दिलवाने का काम किया है, ये इनके लिए ऐतिहासिक काम है। और अगर जनता इनको दोबारा से मौका देती है तो किसानों के लिए, युवाओं के लिए और खासकर महिलाओं के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर भी इनका बहुत कुछ योजना है, जो अगर जनता मौका देती है तो उन योजनाओं पे काम करने का काम करेंगे। तो चलते हैं हम दूसरे पंचायत में, वहाँ के भी मुखिया से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम मुद्दों पर उनसे ही बात करेंगे और आगे की क्या रणनीति है उस बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।